हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिंक सल्फेट टैबलेट के बारे में। हम ये बात करेंगे कि डायरिया के केस में या फिर डायरिया से बचने के लिए जिंक टैबलेट को कितना देना है और कैसे कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये 2 से 6 माह तक के बच्चों को अगर हम देंगे तो हाफ टैबलेट 14 दिन तक देना है, और 6 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक के बच्चों को अगर हम देंगे तो 1 टैबलेट 14 डेज तक देना है, और 0 से लेकर 2 माह तक के बच्चों को ये टेबलेट नहीं देनी है। उनका अगर डायरिया है तो ब्रेस्ट मिल्क को कंटिन्यू कराते रहें, और इसी के साथ उनका डायरिया ठीक हो जाता है। अगर सीवियर प्रॉब्लम हो रही है तो उनको फिर फर्दर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करेंगे जिंक की। जिंक जैसे कि आपको बताया गया कि अगर 2 माह से 6 माह तक का बच्चा है तो उसको आधी गोली देना है, और हाफ टेबलेट जो बचेगा उसको अगले दिन यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देना है, या मदर को भी खिला सकते हैं लेकिन बच्चे को नहीं देना है। मींस अगर आपको 2 माह से 6 माह तक के बच्चों को भी अगर टेबलेट जिंक का अगर देना है तो आप 14 टेबलेट ही देंगे। 14 में से वो हाफ टेबलेट यूज़ करेंगे, बच्चे को देंगे डिसॉल्व करके, और हाफ टेबलेट डिस्कार्ड कर देंगे या मदर को खिला देंगे। इस तरह 14 डेज 14 टेबलेट यूज़ करना है, और ORS भी साथ में यूज़ कर सकते हैं, या फिर ट्राई करेंगे कि बच्चा 6 महीने का ऊपर का हो तभी ORS यूज़ करें। और अगर 6 महीने से 5 साल तक का बच्चा है तो उसको 14 टेबलेट देंगे डेली, उसको 1 टेबलेट देना है। जिंक पेस्टाल्टिक मूवमेंट को स्लो करता है जिससे डायरिया सही होता है, और ORS के साथ जिंक को देते हैं। अगर किसी को भी देंगे तो ये उनको मेथड बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर हाफ टेबलेट दे रहे हैं तो हाफ टेबलेट जो बचा है उसको कल के लिए नहीं रखेंगे, उसको तुरंत या फिर डिस्कार्ड कर देंगे, या फिर उसको मदर को दे देंगे, मदर उसको कंज्यूम कर सकते हैं, वो पॉजिटिव इफेक्ट ही करेगा। फ्रेंड, ये था जिंक के बारे में कुछ नॉलेज। अगर आप CHO हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा।